सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज अपने आज पल्सर की NS200 नेकेड स्पोर्ट देख सकते हो भाई, स्टिकर एंड भाई। तो बात करते हैं इसके फ्रंट टायर की। फ्रंट टायर है 100x80x17 सेक्शन का। और अब आ जाते हैं इसके डिस्क पे। तो भाई फ्रंट डिस्क ब्रेक है इसकी 300mm की एंड भाई ब्रेक एक कैलिपर लगे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बात करते हैं इसके रेयर टायर की। तो रेयर टायर है 130x70x17 सेक्शन का, ट्यूबलेस टायर है भाई फुली। तो भाई देख सकते हो कस्टम मेड एग्जॉस्ट है इसमें, जो कि भाई बहुत ही बेसी साउंड करता है, वरना 200cc के सेक्शन में कोई भी बेस साउंड नहीं देता भाई, कस्टम मेड है भाई पूरा फुल। अब रेयर सस्पेंशन की बात करते हैं। तो भाई रेयर सस्पेंशन है इसमें मोनोशॉक का एब्जॉर्बर, देख सकते हो भाई, जो कि भाई ठीक ठाक ही है, ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। तो इसके टैंक साइज़ की, तो भाई इसका टैंक 12 लीटर का है फ्यूल का। और गाइस ये मैक्स पावर जनरेट करती है 24.5 PS की 9750 RPM पे। अब आ जाते हैं गाइस इसके मीटर पे। भाई इसके मीटर से तो आधे से ज़्यादा को भाई बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, डिजिटल और एनालॉग का कॉम्बिनेशन भाई मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। भाई यहाँ पे देखो बजाज का लोगो दिया हुआ है, और यहाँ पे आके साइड स्टैंड लगा हुआ है, और यहाँ लो बीम हाई बीम न्यूट्रल, बाकी इंडिकेटर का, बाकी भाई जो एनालॉग है ना भाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और फ्यूल गेज दिया हुआ है आपको, यहाँ पे टाइम दिखाया हुआ है भाई, और ये स्पीड मीटर एंड ये ओडोमीटर। बस भाई इसमें एक ही कमी है बस इसमें। सो गाइस जो मुझे एक चीज़ कमी लगती है बजाज वालों की भाई इसमें, जो कि उन्होंने गेयर इंडिकेटर नहीं दिया। और भाई ये डिज़ाइन कुछ ना बहुत ज़्यादा पुराना सा हो गया भाई, अब 2023 तक यार कुछ नया निकालो बजाज वाले। भाई कब से यही हम लोग देख रहे हैं, ना गेयर इंडिकेटर मिलता है ना कुछ भाई, क्विक शिफ्टर तो भाई है ही नहीं। अब R15 में भी देख सकते हो आप लोग, क्विक शिफ्टर आ चुका है भाई इसमें, भाई 6-speed ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स है भाई। और ये भाई मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है 18.74 Nm की 8000 RPM पे भाई, जो कि ज़बरदस्त पावर देती है भाई। हाईवे वगैरह परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है भाई इसकी। ये देख रहे हो भाई ये जो सुई उठती है ना भाई ऊपर, ये सबसे ज़्यादा प्यार करती है भाई साहब, क्या ही जब। और भाई ये है सिंगल चैनल ABS, डुअल नहीं देते भाई इसमें, डुअल देना चाहिए उन्हें भाई, सिंगल चैनल में ज़बरदस्त नहीं है, डुअल चैनल ABS भाई इनको देना चाहिए। और भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 168mm का, देख सकते हो भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़बरदस्त दे रहा है। सो गाइस अब आप लोग साउंड चेक करो इसकी भाई, रेडिएटर फैन चल चुका है भाई। अब आप लोग साउंड सुनो, तो न्यूट्रल करूँ भाई मैं, न्यूट्रल नहीं है साउंड चेक करो गाइस। ओए सो गाइस साउंड चेक करो, देख रहे हो भाई क्या ही बेसी साउंड आ रहा है, पटाखे मार दिए भाई। एंजॉय करो बस भाई वीडियो को, बोलूंगा नहीं मैं कुछ, बस साउंड चेक करो। चलो भाई, साउंड तो आपने चेक ही कर लिया हो, क्या ही अच्छी साउंड आ रहा है भाई, ये देखो भाई क्या साउंड है भाई, पावर भाई NS में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पावर है भाई। चलो गाइस
चलो भाई फर्स्ट गियर चैलेंज करते हैं R15 के साथ। चलो फर्स्ट गियर, फर्स्ट गियर, चलो फर्स्ट गियर देखें। चलो 3, 2, 1। देखो और इससे कितना नीचे रहा। भाई साउंड चेक कर रहे हो भाई, क्या साउंड आ रही है। पहले इधर से लगाते हैं इसका। तो गाइस आप लोगों ने साउंड तो देख ही लिया होगा, क्या ही बढ़िया आ रही है। देखो बहुत बाउंस कर रही है गाड़ी, तो वो शॉकर है। चले चले पहले में क्यों निकल रही है ये अभी ना, वो नहीं है सर्विस सर्विस कुछ भी, बड़ी रुक रुक रही है, पता नहीं क्यों बीच में पावर छोड़ रही है। यहाँ बीच छोड़ दे रही है, लेकिन हम बताएं जानते हो वो कंट्रोल नहीं आ रही थी, उसको हेलमेट पहन के रुक जाओ, मैं आगे आ रहा चला लेगा, बस वहीं तक ले आएंगे सामने। एंगल सही था ना बस इतने पे, पहला गेट डाल। चलो 3 ऑन पे। देख रहे हो भाई, स्काई साउंड आ रही है भाई।
और फुल बेसी साउंड आ रहा भाई, 200 cc सेगमेंट की बाइक है भाई, इसमें कस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा बंदे ने, फुल बेसी साउंड है भाई, ऐसा नहीं कि कानों में आपके चुभ रही होगी कुछ भी, 1% नहीं चुभ रही भाई। अब तो धीरे धीरे ही चलेंगे, बाइक है ना भाई जिसके कंपैरिजन में कोई भी भाई कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब इसका या तो पल्सर की भाई दो ही बाइक बढ़िया लगती है, NS और RS वाली, वो कोई बाइक नहीं है, बाकी सब सेट। भाई इसका मेरे को पता डिजिटल और एनालॉग मीटर भाई बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत तगड़ा है भाई। आराम धीरे धीरे है, क्या करना देखो भाई ये कितना बेकार है, चटनी मांग रहा है, मूंगफली कहीं और से ले गया, चटनी यहाँ से ले रहा भैया के पास से, शर्म नहीं आती मूंगफली कहीं और चटनी यहाँ से। देखो भाई कैसे उन्हें जाल में फंसा रहा है, मक्खन लगा रहा है कि आप वहीं से आ रहे, मैंने आपको रोका था। Thank you.
बस एकदम बेसी साउंड दे रही है भाई ना, तो भाई आ रहा है भाई बेसी साउंड है ब्रो उसके बाद फाइनल देख रहे भाई एकदम बेसी साउंड दे रही है। देख सकते हो भाई R15 वाला पकौड़े खा रहे हैं, बढ़िया पकौड़े।